दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं हैंडसम इंडियन टेलीविजन एक्टर शुएब इब्राहिम से, जिन्होंने ससुराल सिमर का और इश्क में मरजावा जैसा सीरियल में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इस वीडियो में शुएब इब्राहिम की एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, फैमिली, कार कलेक्शन और इनकम के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको शुएब इब्राहिम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुएब का रियल नेम शुएब इब्राहिम है और निक नेम शुएब है। शुएब इब्राहिम प्रोफेशन से एक एक्टर है और इनका जन्म 20 जून 1987 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 35 साल के हैं। शुएब इब्राहिम ने अपने स्कूल की पढ़ाई हिल्स पब्लिक स्कूल भोपाल से की, जिसके बाद इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। दोस्तों शुएब इब्राहिम एक ट्रेंड डांसर थे जो अपने स्कूल के दौरान डांस कंपटीशन में अक्सर पार्टिसिपेट लेते रहते थे और शुएब के पिता चाहते थे कि वो एक सिंगर बने और वहीं इनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा एक एक्टर बने, जिसके बाद शुएब ने एक्टिंग को अपना करियर चुना और निकल पड़े एक एक्टर बनने के लिए। अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम के करियर के बारे में। शुएब ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2009 में करी और डेब्यू किया इमेजिन टीवी के सीरियल रहना है तेरे पलकों की छाओं में से, और 2010 तक इस सीरियल में करण प्रताप का कैरेक्टर प्ले किया, और 2011 में शुएब ने काम किया कलश टीवी के सीरियल ससुराल सिमर का में, जिसमें इन्होंने प्रेम भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले किया। और इसी सीरियल के दौरान शुएब मिले अपने फ्यूचर वाइफ दीपिका काकर से, जो इनके साथ इसी सीरियल में काम कर रही थी, लेकिन 2013 में शुएब को रिप्लेस करके इस सीरियल में धीरज दुपर को लाया गया। और 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद शुएब को 2017 में सीरियल कोई लौट के आया है में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने डुअल रोल प्ले किया। और इसी साल इन्होंने अपनी वाइफ दीपिका काकर के साथ नच बलिए 8 में पार्टिसिपेट लिया और फिर 2018 में दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद 2018 में ही शुएब ने पार्टिसिपेट लिया बॉक्स क्रिकेट लीग 3 में। और इनकी शादी के बाद शुएब का पहला सीरियल जीत गई तो पिया मोरे था, और फिर शुएब ने अभिमन्यु का कैरेक्टर प्ले किया सीरियल इश्क में मरजावा में। और 2019 में शुएब ने बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म बटालियन 609 से, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप हो गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2021 में शुएब और दीपिका सॉन्ग यार दुआ में फीचर हुए और 2022 में शुएब और दीपिका एक और सॉन्ग में फीचर हुए, जिस सॉन्ग का नाम जिए तो जिए कैसे है। और दोस्तों शुएब इब्राहिम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस चैनल का नाम शुएब इब्राहिम ऑफिशियल है, और इनके चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिस पर शुएब इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ व्लॉग करते हैं और लोग इनके लोग को काफी पसंद भी करते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना शुएब इब्राहिम आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको शुएब इब्राहिम की फैमिली से। तो दोस्तों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं शुएब इब्राहिम के पिता और माता, और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है सबा इब्राहिम, और इनका भी यूट्यूब चैनल है और ये भी व्लॉग अपलोड करती हैं। और वहीं बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इन्होंने 2018 में दीपिका काकर से शादी की, जो कि एक एक्ट्रेस है। अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम के हाउस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप शुएब इब्राहिम को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका एक सुंदर सा अपार्टमेंट है मुंबई महाराष्ट्र में और ये यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। वहीं बात करें शुएब के कार एंड बाइक कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में कार है BMW X4, जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए, और इसके अलावा इनके पास एक बाइक है जो इन्होंने हाल ही में ली है। इनके पास डुकाती स्ट्रीट फाइटर V4 है, जिसकी कीमत है 23 लाख रुपए। अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शुएब इब्राहिम एक एपिसोड में काम करने के लिए 85,000 से 90,000 रुपए तक चार्ज करते हैं, और ज्यादातर इनकी इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है और ब्रांड को इंडोर्स करके ये लाखों रुपए कमा लेते हैं। और इसके अलावा इनकी इनकम यूट्यूब से भी होती है और यूट्यूब से ये व्लॉग करके 5 से 10 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वही बात करें शुएब इब्राहिम के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 8 करोड़ रुपए। तो ये थी शुएब इब्राहिम की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।